सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मुक गई ग्रेजुएशन, मिल गई डिग्री, हॉन सीन खत्म है, अब कोई सरप्राइज नहीं मिलना। हाँ, अभी जो है आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स कर दिए यार, थैंक यू सो मच। अब फटाफट से ना यूट्यूब पे जो है ना मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो, ताकि एक साथ ना सेलिब्रेशन की जाए 2 मिलियन की। ग्रेजुएशन भी खत्म हुई है तो 2 मिलियन भी कर लवांगे। सो अभी नहीं चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। सो लेट्स गो। लला 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 लला। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज तो मेरा ब्रेकफास्ट पहले से ही रेडी है यार, गुड हो गई है मम्मी। पराठा साथ में टिंडे और साथ में गोश्त। आने वाले दिनों से ज्यादा अच्छी पराठा बनाना शुरू हो। पराठे तो आपने काफी इम्प्रूव कर लिए, बड़े क्रिस्पी वल्लों वाले पराठे हैं। बड़ा टेस्टी। चलो नाश्ता वाश्ता यार मैंने कर लिया है, और अभी मुझे हिरा की कॉल आती है कि हम लोग कर रहे हैं पूल पार्टी रूफ टॉप पे, और राबिया जैनब और हिरा कर रहे हैं, और बस हमें ना यार ट्रे में मैंगो डाल के ला दो ऊपर। मैंगो मैंने डाल ली है, अब इनको ऊपर देकर आते हैं और देखते हैं कि मैं पूल पार्टी करती हूँ कि नहीं। ये देखो ट्रे में खूब सारे मैंगो डाली, पता नहीं इतने ये खा भी लेंगी कि नहीं। दो सीढ़ियां चढ़ के अब छत पे जाते हैं यार, ये मैंगो की ट्रे पकड़ के। गर्मियों में मैंगो एक सौगात है यार। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं करूं मैंगो पार्टी अपनी सारी फैमिली के साथ, तो जरा कमेंट कर दो मैंगो पार्टी मैंगो पार्टी मैंगो पार्टी। आप लोगों ने कहा फातिमा सही है, कभी कहती है हॉरर प्रैंक का कमेंट करो, तो कभी कहती है मैंगो पार्टी के कमेंट करो। टेंशन ना लो यार, हॉरर प्रैंक तो मैं करूंगी, बस वो जो मास्क वास्क मंगवाए मैंने उसका वेट कर लूं। उनको ऊपर मैंगो दे आई हूँ यार। मैंने सोचा है कि वो छोटे पूल में पार्टी करने की बजाय ना, कल मेरी फ्रेंड ने जो है वो एक बड़ी पूल पार्टी रखी है सब फ्रेंड्स के साथ, कल जो है ना वहाँ जाके पूल पार्टी करेंगे। स्टे ट्यून रहना आपने उसके लिए। अभी जो है ना मामा के साथ हम कोई सब्जी वब्जी खरीदने जा रहे हैं, पूल पार्टी कर रही है। मैंने कहा उनके आने से पहले पहले कुछ हम ना मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते हैं, जो कि आज हम मिलके करेंगे, और आज फातिमा मुझे नहीं लेके जा रही, मैं फातिमा को लेके जा रही हूँ। ओके मामा के साथ जो है वो सब्जी लेने आ चुकी हूँ। आज जो है ना जो मामा सब्जी ले रही है उसका रेट भी मुझे पता चल जाएगा, और मैं आप लोगों को बता रही थी। वैसे तो आप लोगों को पता होगा क्या चीज कितने की किलो मिल रही है। बैंगन जो है ना वो 150 रुपए का किलो है, और ये जो भिंडी है ना लेडी फिंगर ना हो तो कहीं की, ये जो है 200 रुपए की किलो हुई पड़ी है, और ये बेचारा आलू जिसके फ्राइज बनते हैं ये 120 रुपए का किलो हुआ पड़ा है। सबसे महंगा तो ये लीमू है यार, लीमू 800 रुपए का किलो है, इतने महंगे मुझे नहीं उम्मीद थी। तो हमारे बाहर दरख्तों पे भी इजीली लग जाते हैं, 800 रुपए का इसमें क्या बात है यार। ये मामा आज यहाँ से सारी ही सब्जियाँ उठाई जा रही है, क्यों खैर हो सही। क्या आज आपने मिक्स सब्जियाँ बनानी है? सरप्राइज है, ब्यूटीफुल डिश है, बताऊंगी। सब डिश का भी सरप्राइज है, ये भी बाद में बताएंगी। इनका रेट पूछते हैं यार, जिसके बगैर कोई भी सब्जी नहीं बनती। इतना बड़ा प्याज, प्याज जो है 140 रुपए का किलो है। फातिमा सारी सब्जियों का रेट बता रही है, सुन ले कितनी महंगी होगी। और ये रेड रेड सा लालो लाल टमाटर जो है 200 रुपीज का किलो है। आज मामा ने जो स्पेशल डिश बनानी है ना उसका नाम मुझे बता दिया यार। सब्जियों को ना फ्राई करना है, भिंडी बैंगन प्याज आलू सबको बेसन में फ्राई करना है। तो ये सब घर वालों को ये वाली नई डिश सिखाएंगे। ये हम लोगों ने पकड़ी भिंडी, और भिंडी के अंदर हम लोगों ने कट लगाया है ताकि इसके अंदर जो है ना बेसन अच्छे से जा सके। और अब ये होगी फ्राई। अच्छा मामा मुझे बताएं कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया है, भिंडी वो भी बेसन में फ्राई करने का? एक दफा तो मुझे लेके गई थी ना डिनर करवाने रात को, वहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ फ्राई की थी, वहाँ मैंने देखी थी, मैंने कहा किसी दिन कॉपी करूंगी। बेसन में फ्राई उन्होंने गोभी आलू सारा कुछ किया हुआ, तो मैंने कहा अच्छा भिंडी, भिंडी वैसे वहाँ पे नहीं थी, भिंडी मैंने एक्स्ट्रा की। आज हम लोग ये डिश ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है, अगर अच्छी बनी तो आप लोग भी बनाना करना फिर। भाई ये क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी बन चुकी है, इसको टेस्ट करते हैं, अगर तो ये मजे की रही ना तो हमारे घर ये बहुत बना करेगी। ले आई हो तो अब खिला। ये ट्राई करके बताओ कि कैसी है बेसन वाली भिंडी, ध्यान से फुल गर्म भिंडी है। हाँ हम पहली बार बनाया इसको, टेस्ट करके बताओ। बहुत यम्मी, बाजार से नहीं मिलते हैं पकौड़े नान के साथ। हाँ बहुत मजे से, वो वाइब्स। और क्या क्या? और आलू और बैंगन है। बैंगन बैंगन होंगे मेरे फेवरेट है। राबिया ये डिश ट्राई करो। ये क्या डिश है? बेसन में फ्राई की हुई भिंडी, बताओ कैसी। बेसन में वो देखा था, बैंगन देखा था, भिंडी क्या है? और टेस्ट करके बताओ। अच्छी नाना हुई, अच्छी अच्छी है, टेस्ट करके बताओ। इसका तो हॉस्पिटल नहीं जानी चाहिए। खाओ खाओ। अच्छी है, मजेदार है ना। जाओ पूरी खाओगी? चलो खा लो। ए मम्मी आज मुझे आपकी एक फेवर चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, आपने मेरी एक प्रैंक में मदद करनी है। मामा यार बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कोई प्रैंक करें, ठीक है, और मैंने पापा के साथ वैसे भी इतनी देर से कोई प्रैंक नहीं किया, ना ही अपने घर वालों के साथ, तो मैं ना ये किचन में पड़ा ये देखा है बीट रूट यानी चिकंदर, इसको जब खाते हैं ना तो मुंह रेड हो जाता है, और मुंह से रेड कलर का जो है वो पानी आता है। तो मैंने सोचा लो मैं
पापा को नहीं आपको मिलाऊंगी क्योंकि आप मेरे से सब्जी लेने गई थी, ये खाऊंगी तो मुंह से निकलेगा रेड ब्लड, तो फिर जाके सबको कहूंगी कि मुझे आ रही है वॉमिटिंग रेड ब्लड वाली, सबके रिएक्शन, मम्मा आपने भी मदद करनी है यार, बस ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी है, ठीक है? मतलब ये आपने कहा मैम लुटे गई मेरी बेटी नूखी हो गया, जीरो मुझे कोई एक्टिंग नहीं आती, मैं रियल बता देना है सारा प्रैंक। मामा राधा के साथ तो आप 3600 प्रैंकों में मिली होती हो यार, बस मिल जाओ प्रैंक करने आज, फेक ब्लड प्रैंक मैं मिली जरूर होंगी लेकिन साइड पे बस देखती रहूंगी ऐसे। ये क्या हो रहा है गाइस, फाइनली बीट रूट काट ली है, लग रहा है यार राव्या के साथ मैंने हेवी वाला प्रैंक साफ कर लो अपना वो पूरा वाला, अच्छा लग रहा है फोन पे कहीं ज़ॉम्बी लग रही हो इस टाइम। अब तू मेरे साथ हेल्प करेगी, अब हम लोगों ने हिरा के साथ प्रैंक करना है, ठीक है? ठीक है मैं कर लूंगी लेकिन तुम कोई कपड़े नहीं, बस थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी है, ठीक है? ओवर एक्टिंग अच्छा चीखना है जैसे मेरी बहन मर गई, ठीक है चलो अब हिरा के साथ करते हैं। मामा ने हिरा का खाना बना दिया, मैं हिरा ने खाना खाने नीचे आना है, मामा जब वो आके आपसे पूछेंगे ना खाना कहाँ है, ठीक है आपने कहना ये पड़ा था और कैमरा में आपने बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? ऐसे ठीक है। और राबिया आ जाओ यार तुम भी हो मेरे साथ, बस मैं कैमरा ना देख रही मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट करती हूँ, ना बेहोश हो गया और मेरे बाल को देखा, ये मेस क्रिएट हो गया और इसके साथ हम लोगों ने किया है फेक ब्लड, ड्राई कला बना हुआ। अब जो है पापा और जैनब को करेंगे, जैनब जो है ना पापा के साथ गई हुई है बाहर अपने कोई स्नैक्स वगैरह ले लें, वो इकट्ठे आएंगे इकट्ठे उनके साथ प्रैंक मारेंगे। तो गाइस फातिमा जो है इधर ये फोन सेट करी, फातिमा छुपाओ दिख रहा है ऐसे तो बहुत ज्यादा पीछे करो, मैं ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ये प्रैंक 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 कितने
अच्छा था, मैं डर गई तुम्हारे मुंह से, पर दरवाजा तो नहीं लगा। पापा कि पापा भी दोस्त के पास गए हैं अपने मुझे छोड़ के। ऐसी लेगी तो पापा जब आएंगे मेरी पापा से दूसरे टाइप का फिर करेंगे। चलो यार ये तो सक्सेसफुल हो गया। So guys, आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो ये है कि हु नोज मी बेटर, पापा और मामा। ठीक है, इनसे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, जो इसका सही जवाब देगा वो विनर होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि मामा इसका सही जवाब देंगे। ये मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट जवाब हूँ, क्योंकि मैं पापा को बेस्ट जानती हूँ, पापा तो जानते ही नहीं है। ये प्रैंक करने लगी थी, देखो यहाँ तो पापा के साथ कर ही नहीं पाई है। सारा मेरे कपड़े में रंग लगा रही है, सारा मेरे कपड़े में रंग लगा रही है, पेंट भी खराब कर रही है। क्या गंद मार रहे होता है कभी कभी कुछ खेल में। मैं जानता हूँ ये चलाक साथ में, लेकिन फेल हो गई है। पता नहीं मैं कैसे फेल हो गई, मैं करते करते एकदम से मेरी ऐसी हंसी छूटी है कि यार जिन्होंने पैदा किया उनके बीच में बैठकर उनको ड्रामा कर। पता नहीं क्यों यार पापा के साथ प्रैंक करते हुए ना मेरी हंसी छूट गई यार, बस पापा के आगे और किसी के साथ ही, बाकी बार मैंने परफेक्ट ओवर एक्टिंग की है। सो गाइस सीन अब कुछ ऐसा है कि घर वालों के साथ जो है फेक ब्लड प्रैंक कर लिया है, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपी के घर। राबिया ने आपी और अरीब भाई के साथ कोई करना है हॉरर प्रैंक, तो मैंने सोचा कि मैं भी लगते हाथों यार उनके साथ जो है फेक ब्लड प्रैंक कर लेती। यहाँ तक लेके कौन आया, पक्का ये जैनब के कारनामे होंगे। जैनब चलो पीछे बेटा। नहीं नहीं मैं बीच में पीछे से नहीं उठ सकती, राइड की बच्ची, निकलो बाहर, निकलो 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 बाहर। ये मामा जैनब और राबिया बैठ गए और राबिया ने ये अपना थैले में सामान फिट किया हुआ, जो इसे जाके वहाँ पे तैयार होना है, बुढ़ा बाबा बनना है, हॉरर प्रैंक करना है। हॉरर प्रैंक करूंगी। अच्छा, और ये राबिया मैं भी जाके फेक ब्लड प्रैंक करूंगी। ठीक है, कपड़े नहीं रखे? नहीं हम यही कपड़े पहन के रखेंगे। अब जो है शूटर चलते हैं आप ही के घर। जिन बच्चों को नई नई गाड़ी चलाने का शौक आता ना, बीच सड़क में रोक के जो है इसको पीछे भेज रही हूँ, लेकिन मैंने चलाई अच्छी है ना। चलो अब मेरी बारी, ड्राइविंग सीट पे अच्छा लगता हूँ। आप ही के घर जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, बेल चल दे दी, और इन दोनों को देखना सेम कपड़े पहने हुए, ब्लैक टैंक टॉप एंड ऊपर सेम व्हाइट व्हाइट कमीजें, ट्विन्स लग रही है दोनों। अब जो है ना हमने करना है आपी के साथ फेक वॉमिटिंग ब्लड प्रैंक, और ना मामा और राबिया कमरे में बैठे हुए हैं। मामा और राबिया सुनो, मैं इधर बैठी हूँगी, पूरा सिनेरियो जनरेट करती हूँ, आपने वही एज यूजुअल मेरी मदद करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा क्यूटू चिकंदर पड़ा हुआ है, इसको ठूसते हैं। मेरी वॉमिटिंग कैमरा नहीं दिख रहा आपको, और आपी का मम्मा हंसती नहीं दिख रही है। सबको बना दफा दे, इसको टाई साफ करो मेरी। यार इसने कब से आप ही सबके साथ यही कर रही है आजकल सबको। मैं एकदम, मेरा दिल डर गया, मेरे कदम ही हुई हूँ। आप ही ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, मैं इधर कैमरा पकड़ गई हूँ, खड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं तुम नजर आई, मैं मेरा ध्यान ही उसकी तरफ था। बेवकूफ मेरी टाई पे ना गिताब पड़ेगा, मैं तुम्हारी चंडे मारूंगा। यार उसके जाना करना मेहरबानी करो, क्योंकि तू कर चुकी है ना। नहीं अपनी दफा भी तो किया था, किया था कांच वाला, बड़ा मजा आया। तो मैंने भी यही किया है, ये वाला। मेरे साथ ये क्या बदतमीजी, तुमने मेरा कमरा फाड़ा,
गाइस और ऐसे लग रहा है उन पर थूके की पान फेंका हुआ है। मुझे लग रहा है पता नहीं क्या निकल रहा है उसके अंदर से, खून के लोथरे निकलने लग रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं आपकी साली हूँ। तरा निकाल दी मैंने कहा ये क्या ना खून लग रहा है ना वो लग रहा है, क्या निकल मुंह निकाली जा रही है। मेरा फर्श पे दाग पड़ गया ना, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। 1000% दाग पड़ेगा। नहीं नहीं मैं सफाई करके जाऊंगा। ये टाइल ऐसी है, तुम जितनी मर्जी सफाई कर लो इसके इसमें दाग पड़ेगा। टिश्यू से नहीं, गीले कपड़े से। अरे टिश्यू से हम सिर्फ उठा देते हैं, ये देखो कुछ नहीं होता। अच्छा मैं कर देती, रुको रुको मैं कर लूंगी फातिमा। ओ नहीं नहीं हो जाएगा देखो, हो जाएगा साफ हो जाएगा। नहीं पड़ना तो कर ले, चल मैं खुद कर लूंगी, तू टेंशन ना ले। फातिमा कसम उठा के तरा निकाल उधर। अल्लाह मुझे ये नहीं पता इसने कोई कार्रवाई डाली है, मैं उधर बैठी हूँ एकदम डर गई हूँ कि रीपो क्या हो गया। तुम कर क्या हो गया, बस प्रैक हो गया यार। आप ही के घर पे आज हम लोगों ने करना है स्लीप ओवर। रात चली गई, हम दिन चढ़ चुके हैं, तो होप्स हो कि आपको ये जो है ना फेक वॉमिटिंग ब्लड प्रैंक अच्छा लगा होगा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप पूरे प्रैंक में मेरे साथ शामिल थी। नहीं मैं कोई शामिल नहीं, लोगों को देख ले मुझे भी शामिल हो। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, अभी भी आ रहा है। इस स्लीप ओवर में मम्मा को जो है ना यहाँ पे सोने को सोफा पे मम्मा सुंडी एक कीड़ा पैक हुआ उसके ऊपर से जगह निकली होती है। और ये देखो इसको भी रात हो गई है, सॉरी दिन चढ़ गया, सोई नहीं। आप ही के घर में अलग सिस्टम है यार, दिन के टाइम ऊपर से रोशनी टपकना शुरू हो जाती है और मैंने जो है यहाँ पे सोना है इस सोफे के ऊपर। उस कमरे में राबा जैनब जो है अपने अपने सोफे के ऊपर सो गई हुई है। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को खत्म। होप सो यू लाइक द ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कॉमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।